we continue with this. That is, we had already started with the respiration chapter. Figure respiration and breathing chapter we have already started with. And now let us. Anji. So now let us continue this further. That is the chapter of respiration that we have started. Respiration में हमने ये बोला कि there is two phenomena, respiration internal and external respiration, जो कि एक पूरा respiration को complete करती है, ठीक है? उसके लिए अब हमने respiratory system भी पढ़ लिया कल. Respiratory system हमारा help करता है gases को collect करने में and further आगे लेके जाएगा for the internal cellular respiration, ठीक है? Internal respiration या cellular respiration, there gets the exchange of gases. कल जो आपने पढ़ा, कल तक जहाँ पे हमने पढ़ा, वो क्या था? Simple. कि बाहर से जो ऑक्सीजन गैस है वो अंदर आएगी, इनहेलेशन होगा और उसके बाद एक्सहेलेशन फ्रॉम द लंग्स. क्योंकि हमने कल लंग स्ट्रक्चर पढ़ा सिर्फ, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा सिर्फ. अब जब गैसेस अंदर आती हैं, इंटरनल हमारे अंदर आ रही है, हम ब्रीथ इन करते हैं, वी रेस्पायर, ठीक है, समटाइम्स फोर्सफुली, समटाइम्स नॉर्मली, व्हाटएवर द थिंग. हमने एयर रिच इन ऑक्सीजन अंदर लिया, ठीक है, वो हमारी लंग्स में गया, लंग्स में जाके एल्वियोलाई तक सेटल हो गया. अब उसके आगे क्या, उसके आगे ये किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस शो करता है, किस तरह से ये गैसेस जो एक्सचेंज है ये पूरी बॉडी में चलता है, हाउ इट रीचेस टू द बॉडी टिश्यू एंड देन हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज बैक इनटू द लंग्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दैट्स अ नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस. दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वी नो देयर आर थ्री पर्टिकुलर साइट्स फॉर द एक्सचेंजेस. तीन साइट है, कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास वी हैव, लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. सबसे पहला है देयर आर द लंग्स, ठीक है. लेट्स से दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलाई, राइट, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्वियोलाई. आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम टॉप. बेटा आप भी अपना हाफ ऑफ द पेज नियरली लगेगा इसमें डायग्राम में, तो थोड़ी अच्छी खुली जगह पे बनाना है इसको, ठीक है. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लंग्स, लेट से, और सॉरी द एल्वियोलाई. दिस इज एन एयर सैक और द एल्वियोलाई. आफ्टर दिस देयर इज द ब्लड वेसल्स दैट विच आर इन जस्ट कनेक्शन विद द नेक्स्ट, दैट इज द एल्वियोलर एयर, ऑल्सो कैरिंग द एल्वियोलर एयर टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यूज. यानी लंग्स और बॉडी टिश्यूज के बीच में जो कनेक्शन है वो किस चीज का है? ब्लड वेसल. हाँ जी, वन सेकेंड. हाँ जी, सो दिस इज द ब्लड वेसल, राइट. ब्लड वेसल दैट विच कनेक्ट्स द लंग्स और द एल्वियोलाई विद द बॉडी टिश्यू, ठीक है. ये एल्वियोलाई है, ब्लड वेसल है, द लास्ट इज द बॉडी टिश्यूज. नाउ दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम हेयर देयर अराइजेस द, जो आपने टिश्यूज एनिमल टिश्यूज चैप्टर किया है वहां पे हमने बनाए थे ना, देयर आर सेटल्ड द सेल्स. एनी टाइप ऑफ द टिश्यू यू कैन मेक, आई एम मेकिंग द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जहां एब्जॉर्प्शन होती है मेनली. So this is the animal tissue or the body tissue, any kind of the tissue. This is body tissue. Are you done? Clear? So the three things that which are available here, they are the alveoli, the blood vessels, and the body tissues, right? The exchange of the gases takes place through these three body parts or the body organs, we say, right? How this happens and how this takes place? First of all, सबसे पहले क्या है? जो alveoli हैं, they are meant to take in oxygen. ठीक है, पहले inhalation होगा, oxygen start करेगा, inhalation होगा, oxygen अंदर आएगा, oxygen body tissues के पास जाएगा, तो carbon dioxide produce होगा. ठीक है, so initial step is not the production of the carbon dioxide. It is first the entry of oxygen. है ना, पहले ऑक्सीजन की एंट्री से बात करेंगे ना. जब ये एंट्री ऑफ ऑक्सीजन होनी है, दिस इज ऑल यू कैन से वर्किंग अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट. व्हाट डू वी कॉल दिस एज अ प्रेशर ग्रेडियंट? होता क्या है, व्हाट इज दिस प्रेशर ग्रेडियंट? दैट इज अलोंग विच देयर इज द मूवमेंट ऑफ द गैसेस. ठीक है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट.
पढ़ा है प्रोसेसेस में, कहीं सुना है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड क्या होता है? हाँ, सॉल्यूट्स में, सॉरी सॉल्वेंट्स में हम क्या कहते हैं, दैट इज अ मोर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इज देयर अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड ऑन द अदर साइड देयर इज लेस कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस प्रोसेस है ना, जिसमें हम कहते हैं कि दैट इज थ्रू द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इट मूव्स टू द लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन है ना। तो वो क्या है, हाई और लो कंसंट्रेशन, कहने का मतलब क्या है, इट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना। हम वन वर्ड में इसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द मूवमेंट टेक्स प्लेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो। ऐसे यहाँ पे ये टर्म कंसंट्रेशन की नहीं आती है, प्रेशर ग्रेडियंट आता है, अलोंग द प्रेशर ऑफ द गैसेस विच इज अवेलेबल इन द एटमोस्फेयर एज वेल एज विद इन द लंग्स और विद इन द बॉडी। तो उसके हिसाब से ये सारी कंडक्शन जो है, यानी जो आगे ट्रांसपोर्टेशन है या एक्सचेंज है, ये चल पाएगा। ठीक है, सो इट इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज फॉर द प्रेशर ग्रेडियंट इट वर्क्स, गेटिंग राइट। अब प्रेशर ग्रेडियंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन, जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आई एम राइटिंग स्मॉल पी ओ टू, स्मॉल पी ओ टू दैट सिग्निफाइज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट इट डाउन, this is the partial pressure of oxygen and similarly PCO2 is partial pressure of carbon dioxide, of carbon dioxide, partial pressures को मैं signify कर रही हूँ बेटा, लिखा है partial pressure कैसे लिखा है, that is it is written as small p, partial pressure is small p, अगर कैपिटल पी साथ है तो दैट इज इट रिप्रेजेंट्स द पल्मोनरी प्रेशर, कैपिटल पी जो आएगा यहाँ पे दैट रिप्रेजेंट्स द पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी मतलब लंग्स का प्रेशर, ठीक है। और अगर मैं कैपिटल ए लिख रही हूं तो दैट रिप्रेजेंट्स द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर मीन्स द प्रेशर ऑफ द गैसेज विद इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ओके okay? हाँ जी, समझ आया ये टर्म्स जो यूज करनी है। सो यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर, लेकिन कौन सा, पल्मोनरी, कैपिटल पी स्मॉल पी ओ टू, पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर जो कि अंदर की बात हो रही है, एल्वियोलाई के अंदर की बात हो रही है, दैट इज कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू द एटमोस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सुना मैंने क्या कहा अभी साथ साथ में, एटमोस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सो कंपैरेटिवली द पार्शियल प्रेशर ऑफ पल्मोनरी इज लेस एंड दैट ऑफ एटमोस्फेयर इज मोर, सो दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट, बन गया ना प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे कितना मोर है, एटमोस्फेरिक पार्शियल प्रेशर जो होता है दैट इज एटमोस्फेयर में, it is 159 millimeters of mercury, ठीक है, it is 159 millimeters of mercury, that is the pressure of the oxygen, partial pressure of the oxygen within the air atmosphere, and that within the pulmonary pressure, pulmonary pressure कितना है, it's only 104, so comparatively it is less millimeters pressure में, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पल्मोनरी का कम हो गया, दोनों में डिफरेंस आया, दोनों का ग्रेडियंट सेट हुआ, एंड अल्टीमेटली दिस राशन जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है, बाहर क्यों नहीं जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि अंदर ऑलरेडी कम है। अब हम कहते हैं ना, हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सहेल करते हैं, हमने कभी ये क्यों नहीं बोला कि ऑक्सीजन भी एक्सहेल करते हैं, गैस तो गैस है, हमारे फिल्टर छोड़ने लगे कि ऑक्सीजन ही सिर्फ अंदर जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ बाहर आएगा, फिल्टर्स नहीं लगे, लेकिन ये प्रेशर ग्रेडियंट सेट है, ऑलरेडी यहाँ पे कम है, कम से ज्यादा में नहीं कभी भी जाएगी कोई भी चीज, ज्यादा से कम में आएगी, समझ आ गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच गया, अब इसके साथ ही लगे हुए हैं ब्लड वेसल्स, यहाँ मैंने दूरी पे बनाए हैं, बीच बीच में गैप शो किए हैं, लेकिन अदरवाइज इफ दिस इज द एल्वियोलाई, इफ माई हैंड इज एल्वियोलाई, बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा ताकि वो इजी डिफ्यूजन हो सके मटेरियल्स, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ये दोनों हैंड्स में, इट इज नॉट 100% ऐसा जुड़ा हुआ,
क्योंकि डिफ्यूजन नहीं होगा इजीली, ठीक है, उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा हल्का सा गैप होगा बीच में माइन्यूट सा, एंड हेंस द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस, इट इज नॉट दैट फार अवे, इतना फार नहीं होता, सिर्फ ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. नाउ द ऑक्सीजन गोज इन, दिस इज द ऑक्सीजन गोज फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड वेसल्स थ्रू डिफ्यूजन. डन. पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 मिलीमीटर. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट इज डिफ्यूजन के बाद, अब ये ब्लड वेसल्स के अंदर चल रहा है, क्या है ये? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चल रहा है, अगेन थ्रू डिफ्यूजन नाउ इट एंटर्स इनटू द बॉडी टिश्यूज, दिस इज अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बट एज इट गोज डाउन, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये दूर जाएगा एल्वियोलाई से पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा. कैसे? यहाँ पे 104 था, नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली 95, इट इज डिक्रीजिंग. व्हेन इट रीचेस टू द बॉडी टिश्यूज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रीचेस 40. Clear? In contrast, the partial pressure of carbon dioxide, इसी में alveoli के अंदर ही pulmonary partial pressure of carbon dioxide, now small p CO2 मैंने लिखा था ना, alveoli के अंदर small p CO2, capital P small p CO2, partial pressure of the pulmonary partial pressure of carbon dioxide inside, that is 40. Alveoli के अंदर इट इज 40 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर. ठीक है, मैंने अभी एक चीज बोली थी कि ऑक्सीजन का कम होते रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ते जाता है. ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा. फिलहाल यहाँ पे इट वॉज 40 इन द लंग्स, इट वॉज सेम एज 40 इन दिस ब्लड वेसल एंड हेयर इन द टिश्यूज, क्योंकि यहाँ पे रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड, it goes out to be 45. It goes out to be 45. ठीक है, समझ आया पहले इतना पार्ट? ठीक है, यहां ये 45 क्यों हो गया, ये इसके यहां पे नहीं लिखो, दूसरी साइड लिख दो, क्योंकि एक्सचेंज होगा यहां पे. सो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग आउट टू बी 45. ठीक है, व्हेन देयर इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टूट जाएंगे, यहाँ पे रिएक्शन लिखना है सेल के अंदर, सेल के अंदर लिखना है ये रिएक्शन. यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूट गया एंड दैट रिजल्टेड इन टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वॉटर. दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल नाउ बी गिवेन आउट, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये ऑक्सीजन आया, पता चल गया इतना. ठीक है, ऑक्सीजन जब अंदर आई सेल में तो ग्लूकोज को तोड़ दी, यही था ना हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था सिर्फ एल्वियोलाई तक, ऑक्सीजन अंदर जाती है उसके बाद पूरी बॉडी में कैसे जाती है, वो ये प्रोसेस है. ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन एंड ऑल्सो द प्रेशर्स काउंट दैट डिक्रीजेस फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? क्योंकि यहाँ आके ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जहां सोर्स से निकलेगा तो वो एड ऑन होएगा ना, तो जब भी यहां से ये रिलीज आउट होगा, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज गोइंग टू राइज नाउ इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. ज्यादा हो गया? ठीक है, फिर वापस फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा. दिस इज थ्रू डिफ्यूजन, इट गोज इन टू द ब्लड वेसल, then from the blood vessel back into the alveolar, वापस चला गया. फिर से कैसे गया? diffusion के through. ठीक है, अब यहाँ partial pressure carbon dioxide का 45 था initially, but फिर से reduce हो गया 40, है ना, क्योंकि pressure तो वही रहना है ना. अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मतलब यही सारा ही है partial pressure of carbon dioxide in the blood vessels, 40 reduce हो गया, वही 40 alveoli में. ठीक है, 45 से 40 हो गया. क्लियर हुआ इतना? अब ये एक्सहेल कैसे होगा?
क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 40 इन द एल्वियोलर एंड द एटमोस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी लो. इट इज नियरली 0.03 मिलीमीटर्स. एयर में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, 0.03. इट्स अ बिग डिफरेंस. सो आवर कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एक्सहेल्ड आउट. हाँ जी डन. ठीक है बनाओ बनाओ. हाँ जी कंप्लीट दिस डायग्राम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड रादर द वैल्यूज ऑफ दिस पार्शियल प्रेशर्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ये कल ही वैल्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है आपको. राइट द वैल्यूज ऑफ द पार्शियल. हाँ राइट द क्या कह रहे हो. डायग्राम अगर आता है तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी डायग्राम होता है. 11th में अब आपका क्योंकि सब्जेक्टिव है तो बेटा ये याद रखना ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहता है ड्रॉ द डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी. ठीक है आपको पेपर में डायग्राम में सॉरी पेपर में इंस्ट्रक्शन पार्ट में लिख के आएगा ड्रॉ द डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी और रिक्वायर्ड. तो वो आपके ऊपर है आपने कहाँ देना. जैसे मैं क्वेश्चन डालती हूँ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है अब ओनली एक्सप्लेनेशन विदाउट द डायग्राम इज हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड हार्ड टू एक्सप्लेन ऑल्सो है ना. सो यू शुड ड्रॉ इट अलॉन्ग साइड. ठीक है ये अब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप अपना डायग्राम भी साथ दे पाओ. ऑल्सो इफ इट इज नॉट आस्क्ड अगर पूछा भी नहीं है तो भी आप बना पाओ तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. आपके आंसर्स टिप्स पे होने चाहिए. फटाक से आंसर माइंड में आए फटाक से आपकी एक्सप्लेनेशन हो और ताही आप लोग इसमें पूरा जो टाइम है अपना डिवोट कर पाओगे कि साथ में एक्सप्रेशन में आप डायग्राम्स एड ऑन कर पाओ. समझ गए मेरी बात. नहीं कई जगह तो आपको लिख के आएगा लेट से ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. वहां तो डायग्राम के नंबर हैं. ठीक है यहाँ सिर्फ आपके एक्सप्रेशन है. अगर आप रिटर्न के साथ डायग्राम बनाते हो ना तो वो आपका एक्सप्रेशन एड ऑन होता है. पर उसके लिए डोंट टेक द रिस्क इफ योर हैंड राइटिंग स्पीड इज वेरी स्लो. ठीक है अगर आपको लगता है कि आपका पेपर पूरा नहीं होगा और आप डायग्राम्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि बायो में हर चीज में डायग्राम है. बायो अभी अगला कराऊंगी इनहेलेशन एक्सहेलेशन वहां डायग्राम है. ठीक है हर चीज में डायग्राम है. आपको जितना जितनी चीजें कराएंगे डायग्राम या फ्लोचार्ट आएगा. तो अगर आप अब हर चीज में डायग्राम बनाने बैठोगे आपका पेपर नहीं पूरा होगा है ना. तो ये अब आपके माइंड में पहले से प्री फ्रेम्ड होना चाहिए कि ये डायग्राम मैंने बनाना है या नहीं बनाना है. ऐसी चीजें जो भी है मतलब तैयारी के लिए. ठीक है दैट इज योर एक्सप्रेशन दैट इज योर हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर आंसर्स ऑन योर आंसर्स आंसर शीट्स. ठीक है हाँ जी हो गया बन गया समझ आ गया. कोई डाउट किसी को. ऑल क्लियर पक्का. हाँ जी एनी वन सिटिंग ऑनलाइन एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक. डन ओके सो नाउ नो कंफ्यूजन सेट सारा सही आ गया. ओके नाउ द नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल्स दैट विच आर सराउंडिंग एंड हाउ द एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस थ्रू द एल्वियोलाय ऑल्सो दैट इज द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो गिवन इन दैट. सो थ्रू एल्वियोलाय हाउ दिस गोज थ्रू द एल्वियोलाय हाउ द गैशियस एक्सचेंज गोज थ्रू द एल्वियोलाय. दिस इज वेन द एल्वियोलाय स्ट्रक्चर इफ आई मेक द एल्वियोली स्ट्रक्चर दिस इज द एल्वियोलाय लेट्स से. ठीक है बना लो थ्रू एल्वियोलाय. बातें बाद में कर लेना. यू आर here to study not to talk with your friends. हाँ जी so this is the alveoli. through alveoli how this exchange is taking place जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब blood vessel है that is not in direct contact with it है ना. blood vessel is not in direct contact with the alveolar membrane. so this is the alveoli and the inner membrane of the alveoli. so this is the inner membrane of the alveoli. beta alveoli to ek mass of pura ek big structure of surface area structure hai na aise entangled sa hai. ab jaise marzi bana sakte ho aisa wahan pe bana lo. wo to sirf hypothetical just aapko look dene ke liye tha. theek hai ये ऐसा वाला बना लो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ जी सो दिस इज द एल्वियोलाय एंड द मेम्ब्रेन द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोली.
Next running through this is the blood vessels. The blood vessels, that which runs across or along, not across, along the alveoli. So this is the blood vessel, that which is running. There is no 100% contact. I told you there is no contact. ठीक है, contact नहीं है. This is the blood vessels inner membrane now, that which is facing the alveolar, and this is away, the wall of the alveoli which is away. हाँ जी, done. Now label these. This is the blood vessel and this is the alveoli or the air sac. Alveoli or air sac. Done. अब यहाँ पे जो gaseous exchange होगा, all the gases first how they go, that is from the passing of this one membrane of the alveoli, passing the gap in between, and then passing the blood vessels membrane. ठीक है, तो तीन चीजें इसने pass करी. कौन कौन सी? This is the inner membrane of the alveoli. Inner membrane of alveoli. Number one ये pass हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. नंबर टू ये गैप बीच वाला. ठीक है, दिस इज अ इंट्रा सेलुलर स्पेस, सॉरी इंटर सेलुलर स्पेस. दो सेल्स के बीच की स्पेस. दो सेल किसके? लेकिन एक तरफ एल्वियोलाई के और एक तरफ ब्लड वेसल के. ठीक है, आप इसको इनर मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई भी लिख सकते हैं, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं. दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मतलब दैट इज द बेस ऑफ द एल्वियोलाई. ठीक है, क्या क्या है? ये गैसेस एक्सचेंज है ना, यहां से जो गैसेस हैं वो आगे ब्लड वेसल में कैसे जाएंगे. ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि यहाँ जो एरो आ रहा है ये सिर्फ ऑक्सीजन को ही ओबे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं. तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं हमारे ब्लड वेसल्स लाइक दैट ऑफ डिस्क शेप्ड आरबीसीज, है ना. ये आगे फिर से काम में आएगा. आरबीसीज दे हैव द एचबी, दैट इज द हीमोग्लोबिन कॉन्टैक्ट विद इट, राइट. दिस हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड कैरीज द मैक्सिमम ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के दो तरीके हैं, या तो वो प्लाज्मा के थ्रू जाए या आरबीसी के थ्रू जाए. ठीक है, ये आगे आपको करवाएंगे. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का. किस किस तरह होती है, कौन उनको उठा के लेके जाता है? तो ऑक्सीजन जो है या प्लाज्मा उठाएगा या आरबीसी उठाएंगे. ठीक है, सो थ्री मेम्ब्रेन्स दैट पासेस आर, वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन इज द इंटरसेलुलर स्पेस, एंड देन दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द और द वॉल ऑफ ब्लड वेसल. मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो, वॉल भी लिख सकते हो, ऑफ ब्लड वेसल. फिर उसके अंदर ऑक्सीजन, अंदर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दी जाएगी पासिंग थ्रू दीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट इनटू द एल्वियोलर. ओके, फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू द एल्वियोलर. डन. सो आई कंटिन्यू दिस टुमारो. डू रीड इट फ्रॉम योर बुक. इफ यू हैव एनी कॉन्ट्रोवर्सी और एनी क्वेश्चन यू कैन क्लैरिफाई इट टुमारो. राइट, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड.